जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एससीएफ। आज के सीरीज़ में हम छत्तीसगढ़ के जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है उस सीरीज़ का ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले हमने 5 वीडियो इस सीरीज़ पर बनाए हैं, वो आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। लिखा गया है दो धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांक मतलब ए प्लस बी का योग है 52, ठीक है, तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना है, 168 है। तब नीचे संख्याएं क्या होंगी, नीचे संख्याएं दिया गया है, हमको निकालना है कि ए सही है, बी सही है, डी सही है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये होगा, यदि हम योग करके देखें तो हमको लगभग सभी में 52 मिल जाएगा, है ना। तो हमारा ये पहला जो योग वाला फार्मूला था वो तो हमारा काम नहीं किया आंसर लाने के लिए, ठीक है। अगला स्टेप में बढ़ते हैं, यदि ये एलसीएम है ना, यदि 168 एलसीएम है और ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ए और बी जो है इसको पूर्ण रूप से काट देगा, काट देगा मतलब पूरा भाग दे देगा। तब हम क्या करते हैं, ए और बी से मतलब ए और बी से हम चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन में चलते हैं, ए ऑप्शन में ए बराबर 32 है, बी बराबर 30 है ना, दोनों से भाग जाना चाहिए, याद रखिएगा किसी एक से नहीं, दोनों से भाग जाना चाहिए। अब देखिए इस 20 में 5 है, ठीक है, 4 × 5 = 20 होता है, क्या 168 5 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 से भाग जाने का नियम है लास्ट के डिजिट में या तो 5 हो या 0 हो, है ना। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन तो हमारा गया, ये हमारा हो नहीं सकता, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन गया, ये तो हमारा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो ए को मैं काट दूँ एक लाइन से, चलिए ए को मैं काट देता हूँ। बी में भी 35 में 5 है, 7 × 5 = 35, तो बी भी नहीं हो सकता, कभी हमने देखा कि 5 से तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम 16 और 36 के पास, 16 और 36 के पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 36 से भाग देने का नियम क्या है, 36 से भाग देने का कोई नियम फिलहाल नहीं है, है ना, हमको पूरे 36 से ही भाग दे के देखना पड़ेगा। तो 168 है, 168 को हम 36 से भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा, है ना, 36 × 144 होता है, 144 शेष क्या बच जाएगा हमारा, 36 × 144 हो गया ना, गुना कर लीजिए, 6 × 24 2 × 4 = 12 13 × 14, ठीक है, 144 ही होता है, 144 ही होता है। अब 144 को माइनस कर दीजिए तो 8 में 4 गया 4, 6 में 2 गया 2, देखिए 36 शेष बचा, 24 भाग नहीं गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया। अब इनमें से कोई नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया है, तो पक्का हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप भाग करके देख लीजिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में समय बचाना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए इंटू बी बराबर हमको दिया गया है 9600, ठीक है, क्या दिया गया है, 9600, 9600। और इसका महत्तम समापवर्तक दिया गया है एचसीएफ, ठीक है, इसका दिया गया है एचसीएफ, दिया गया है क्या, 40 दिया गया है। अब इसका हमको लघुत्तम बताना है, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल तो हमको दे दिया गया है, अब इसका हमको लघुत्तम पता करना है। तो जैसा हम बनाते हैं सिंपल वे में वैसा बनाएंगे, हमको अभी तक सूत्र पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल हमको पता है 9600, इसमें एलसीएम हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है, एचसीएफ पता है 40, 40 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 40 नीचे आ जाएगा, 40 यहाँ से हट जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, भाग करेंगे तो आपको आ जाएगा 240, है ना, 24 × 96 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 224, ये हो गया, ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 6, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो नंबर रहता है उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, और जो शेष बचता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। आंसर मतलब नीचे जो ऑप्शन में है वो हमारा आंसर होगा, कब,
जब एलसीएम प्लस 3 होगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि एलसीएम को उसके नंबर पूर्ण रूप से काट देते हैं, एलसीएम को, है ना, एलसीएम को जो नंबर है 5, 6 और 8 ये पूर्ण रूप से डिवाइड कर देंगे। तो हमको यहाँ पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए इसमें फिक्स है कि आंसर में 3 जुड़ा है, तो हम 3 को मैं पहले माइनस कर लेते हैं। तो ए के लिए आ जाएगा 120, बी के लिए आ जाएगा 60, सी के लिए आ जाएगा 124 और डी के लिए आ जाएगा 58, ठीक है, 3 माइनस करने के बाद। अब ये 100, अब जो है नीचे ऑप्शन में देखिए कि कौन ऐसा है जो 5, 6 और 8 से भाग चला जाता है। 5 से भाग देने का रूल पता है कि लास्ट में 5 या 0 हो तो ये तो कट गया, ये कट गया, लास्ट में 5 और 0 है ही नहीं। दूसरा 5 से भाग चला जाएगा, ठीक है, 5 पास कर लिया। अब 6 से देखते हैं, 6 से भाग देने के लिए उसको 2 और 3 से भाग देना होगा, है ना, 2 और 3 से वो भाग जाना चाहिए। देखिए तो 2 से 112 भी चला, 120 चला जाएगा और 60 भी चला जाएगा, मतलब 6 भी यहाँ पास हो गया। अब फाइनल बचता है 8, अब फाइनल बचता है 8। ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको स्लो लग रहा है ना, लेकिन आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। 8 से भाग दे के देखिए, है ना, 8, 8 16, 8 24, 8 32, 8 45, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56। तो 60 तो भाग जाने रहा है लेकिन 12 चला जाएगा, देख लीजिए 120, 8 से भाग चला जाएगा, 8 एकम 8, तो 8 लिख लीजिए, 4, 8 5, 40, 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120। ये मैं बताया हूँ इसलिए आपको स्लो लगा है, लेकिन ऐसा आप याद कर लेंगे तो आप फास्ट तरीके से बना सकते हैं। दूसरा एक और क्या तरीका हो सकता था, देखिए दूसरा एक और क्या तरीका हो सकता था, जो बेसिक तरीका है जो सबको याद होना चाहिए, यदि कहीं फंस गए तो आपका यही तरीका काम आएगा, ठीक है, यही तरीका आपका काम आएगा। क्या तरीका है, हमने क्या कहा है, एलसीएम प्लस 3, तो हमको क्या करना है, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते थे वो मैं बता दिया हूँ, हम यहाँ भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो 2 से जाएगा क्या, 5 नहीं जाएगा, ये 3 चला जाएगा, 4, 8 चला जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से कौन जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, ये 2 चला जाएगा, 4 वाला, ठीक है। अब किससे भाग देना है, अब हमारे पास सारे प्राइम नंबर आ गए, अब भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमारे पास सारे प्राइम नंबर आ गए, अब हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 दिया क्या हो जाएगा, 60 और 60 दूनी 120, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 120 प्लस 3 करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 103। आप इस तरीके से भी बना सकते थे, ठीक है। दूसरा और देखिए एलसीएम निकालने का तरीका, ये तो भाग वाला तरीका था, एलसीएम निकालने का एक और तरीका देखिए, नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि एलसीएम निकालने का और तरीका क्या हो सकता था। हमको 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 को लीजिए और 8 को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए, तो 2 × 2 × 2 ये हमारा 8 हो गया। अब 6 को प्राइम नंबर में तोड़िए, 6 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, 2 यहाँ पहले से है तो 2 को नहीं लेंगे, 3 को ले लेंगे, ठीक है। 5 तो वैसे भी प्राइम है तो 5 को ले लीजिए, क्या हुआ, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, ये आप एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हैं। लास्ट में 3 जोड़ दीजिएगा, आंसर 123 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो संख्या है, है ना, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 13 है, महत्तम मतलब एचसीएफ 13 है, और उनके बीच का अंतर भी 13 है, तो ए माइनस बी 13 है, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या है जो हो सकती है, इसमें से कौन सी संख्या है जो हो सकती है, देखिए यदि आप, है ना, प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जो एचसीएफ होता है वो सभी संख्या को काट देता है, जैसे हमने यहाँ नंबर लिखे हैं, कुछ नंबर है तो उसका जो एचसीएफ है वो उस संख्या को पूर्ण रूप से काट देता है। इसका मतलब ये जो 13 एचसीएफ हमने लिखा है जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो यो ए बी सी डी किसी एक में से किसी एक में दोनों संख्या को काटेगा, यदि वो दोनों संख्या को काट दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी पर थोड़ा नज़र डालिए, बाकी आप भाग करके देख लीजिएगा, 13 3 39 होता है और 13 4 52, मतलब सी को 13 पूरा काट दिया तो हमारा आंसर यही हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे एग्जाम में, जल्दी बन जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक
है ना, 4 और 24 है। तो हमको क्या बताया, महत्तम, महत्तम मतलब होता है HCF, HCF क्या दिया गया है 4, LCM क्या दिया गया है, तो LCM दिया गया है 24। ठीक है, एक संख्या 12 है दूसरा ज्ञात करना है, सीधी से सिंपल फार्मूला, एक संख्या 12 है दूसरा हम बी मान लेते हैं, 4 × 24 है ना, महत्तम और लघुत्तम का गुना 24 होता है, सॉरी 8 के गुना के बराबर होता है, बी निकालना है, 4 को पक्षांतर कर दीजिए, सॉरी 4 नहीं है 12 है, ठीक है 12 को पक्षांतर कर दीजिए, तब क्या होगा कि 12 × 24 हो जाए और 4 × 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, किसी और तरीके से यदि आप बनाना चाहें तो और कैसे बना सकते हैं, ये देखिए हमको पता है कि 4 हमारा HCF है। ठीक है, HCF है मतलब वो संख्या ए और बी दोनों को काटेगा, एक संख्या 12 तो हमको मिल गया है, दूसरा संख्या ऑप्शन में कोई एक है, तो 4 से जो कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 10 4 से कभी भी नहीं कटेगा, 4 6 कभी भी नहीं कटेगा, 7 कभी भी नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, तो 8 हमारा आंसर है। चाहे तो आप ऐसे भी एग्जाम में बना सकते थे फास्ट मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 12 15 18 और 24 से विभाज्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो नीचे दी हुई है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी और डी कोई भी हो सकता है ना, ज्ञात करना है जो 12 15 18 और 24 से पूर्णतः भाग चला जाए। इसे क्या करना होगा, यदि कोई संख्या 12 15 18 और 24 से यदि पूरा भाग चला जाता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेते हैं, यदि 18 है तो चेक करना और आसान हो जाता है ना, 18 से भाग देने का नियम है 9 और 2 से भाग देना चाहिए। ठीक है, जिसका HCF एक हो ऐसी हम इसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसका HCF एक है तो 9 से भाग देने का नियम हमको पता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है 9 का, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि उसके अंकों का योग या फिर अंक भाज्य होना चाहिए, है ना। तो हम चलिए पहला बार इसमें चेक करते हैं, सबसे पहला वाला चेक करते हैं, तो सबसे पहला हमारा है 9820, 9 से चेक करेंगे क्योंकि 2 से तो कट जाएगा क्योंकि 0 है, सम संख्या है, 9 से 9 गया, 8 और 2 10, तो ये हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा। बी देखते हैं 9720, ठीक है 2 से कट जाएगा, ठीक है 2 से कट जाएगा क्योंकि ये 0 है, दूसरा 9 कट जाएगा और 7 × 2 9 ये कट जाएगा, बाकी और ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन है 9860, 9860 में 2 से तो कट जाएगा ये सम संख्या, 9 से ये कट जाएगा, फिर 8 और 6 14 होता है जो 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी मेरा नहीं कटा। ठीक है, अगला ऑप्शन है 9870, 2 से कट जाएगा सम संख्या है, अब 9 से देखते हैं तो 9 से ये कट जाएगा, 8 और 7 होता है 8 × 16 और 7 = 15, तो जो 9 जो है जो 8 जो है सॉरी जो 9 जो 8 और 7 = 15 होता है ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब मेरा कटने वाला ऑप्शन केवल एक ही है बी नंबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कोई अब बोलेगा कि हमको बाकी से भी चेक करके दिखाओ, तो ऐसा आप एग्ज़ाम में मत कीजिएगा, अगर इसमें ऑप्शन रहता इनमें से कोई नहीं है ना, तब की स्थिति में हम इसको चेक करते, फिर भी चल हम इसको एक बार और चेक करके देख लेते हैं बाकी से। तो अब हमको 12 से चेक करना है, हम केवल आंसर वाले को चेक करेंगे ना, क्योंकि 12 से भी भाग जाना चाहिए, तो 12 से कटने का नियम है 4 और 3 4 3 12, 3 से कटने का रूल क्या है, इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 9 कट जाएगा 7 × 2 9, तो 3 से कट गया। 4 से कटने का रूल है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से कटने चाहिए, तो 4 × 5 = 20, ठीक है तो ये 12 से भी कट गया, 18 और 12 से हमने काट लिया। अब देखते हैं 15 से कटने का रूल है 5 × 3 = 15, ठीक है 3 से तो हमने काट के देख ही लिया था तो 3 से कट गया, 5 से कटने का रूल है कि किसी अंक के लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो यहाँ 0 हो तो है तो वो 5 से भी कट जाएगा, मतलब वो 15 से भी कट गया, 4 से भी कट गया था 20 था। अब आता है हमारे पास 24, 24 से कटने का नियम देखिए, तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, ठीक है ये होता है 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 हो गया। अब देखिए ये कैसे कटेगा, 3 से कट जाएगा है ना, और 8 से कटने का रूल है कि 3 डिजिट कटने चाहिए, तो हम चलिए 8 से काट देते हैं, 8 × 8 = 16, 8 × 8 = 32, 8 × 4 = 48, 8 × 7 = 46, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, देखिए ये 9 से 8 से भी कट गया। ठीक
ठीक है। तो ये जो संख्या है 9720 वो सभी से कट गया। तो एग्ज़ाम में सभी से निकालते नहीं बैठना, अगर एक से कट गया बाकी तीन ऑप्शन नहीं कटे किसी भी अंक से जिसे आप चेक कर रहे हो, तो सीधा इसको आप आंसर टिक करके आगे निकल जाइएगा, ठीक है। अब इसको बांटे कैसे थे, तो इसका एस सी एफ एक होना चाहिए, इसका एस सी एफ एक है, इसका एस सी एफ एक है, इसका एस सी एफ एक है और इसका एस सी एफ एक है, तभी आप उसके डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, नेक्स्ट चलते हैं। यदि 3x तथा 5x का महत्तम समापवर्तक 10 है तो x का मान बताइए। हम देखिए x और ये है आपका, ये आपका रेशियो में दिया गया है और इसका महत्तम समापवर्तक 10 है, ठीक है। इसका एच सी एफ 10 है, हमको पता है कि दो संख्याओं में यदि जो कॉमन होता है वही हमारा एच सी एफ होता है ना। दो संख्याओं में यदि जो कॉमन निकलता है वो हमारा एच सी एफ है, तो दोनों संख्या में कॉमन कौन सा है, एक्स है, ठीक है। दोनों संख्या में कॉमन कौन सा है, एक्स है, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 10, ऑप्शन नंबर सी। वह सबसे बड़ी चार अंकों वाली संख्या ज्ञात करना है जो 9, 12, 15 और 24 से पूर्णतः कट सके। अभी ऐसे एक नियम देखे हैं, वही सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। उसके बाद है 1200 को एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसमें न्यूनतम हमको क्या जोड़ना चाहिए। इसको सबसे पहले हम प्रोसेस से देखते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए जोड़ने और गुना आपको अलग अलग पूछा जाएगा, तो क्या करना है आप देखिए, ये मैंने लिख दिया 1200 रुपये, है ना, 1200। ये किससे भाग जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार गया 9, बचा क्या नीचे 3, ठीक है। ये हमारा भाग विधि है, ठीक है। फिर इस 3 का हम 3 को 3 का डबल करना लिखने रहता है, पता है ना, 3 बार गया 3 का डबल कर दी तो 6 हो गया। अब ऐसा कोई संख्या बताओ जिससे उसको गुना करने पर ये 300 या फिर 300 के आसपास आ जाए। तो ये यदि हम 64 का 4 बार गुना करें, तो 64 × 4 करें तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो ये 64 हो गया और इसको मैंने 4 से गुना किया, ये मैंने 4 से इसको गुना कर दिया, तो कितना आया मुझे 256 आया। रिमाइंडर मेरे पास बचता है 44, अब भाग नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब 64 से वैल्यू डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 34 का यदि जो स्क्वायर है वो पूर्ण वर्ग है ना, 34 का जो स्क्वायर है वो मेरा पूर्ण वर्ग है। तो 34 का स्क्वायर क्या होता है, 34 का स्क्वायर क्या होगा, 34 का स्क्वायर होता है 1156, ठीक है। 34 का स्क्वायर होता है 1156, हम इसके आसपास आ गए। अब हम 35 का चेक करके देखते हैं, 35 का चेक करके देखें, तो 35 का कैसे चेक करेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये होगा 4 × 3 = 12, मतलब अगला जो नंबर होगा पूर्ण वर्ग वाला वो 1225 होगा और हमको दिया गया है 1200 और हमारे पास सी ऑप्शन में है 25। यदि इस 1200 में मैं 25 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इस 1200 में यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको निकालना है। सबसे पहले आप 34 का देख रहे हैं, 34 के बाद यदि वो आंसर तो आएगा, आएगा नहीं, है ना, उसके आगे बढ़ते, यदि ये बड़ा नंबर हो जाता तो हम इसके पीछे का देखते, है ना, यदि 1200 छोटा हो जाता तो इसके पीछे का देखते, 1200 बड़ा इसलिए हम इसका आगे का देख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड देखिए, उस वैसे शॉर्टकट मेथड तो नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है। ये 1200 हमको दिया गया है, ठीक है, हम कोई ऐसा बड़ा बड़ा अंक मान के चलते हैं कि किसका आ जाएगा। तो मैं यदि मैं 30 का मानूँ, 30 का यदि मैं स्क्वायर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 30900 हो जाएगा, ठीक है। और 30 के बाद अगर मैं 35 का निकालूँ, 35 का हमको निकालना है 1225। तो इस प्रकार से आप निकाल के देख सकते हैं, ये तो एग्जैक्टली हमारा 1225 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आ रहता तो इसके बीच का हम देखते 31, 32, 33, 34, इस प्रकार हमको देखना पड़ता है यदि ये 1225 नहीं आता, तो वो भी आसान होता है, हम आगे देख लेंगे, ठीक है। और 22 हमारा ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, 22 हमारा ऑप्शन में कभी भी नहीं आएगा, क्यों पता है, यदि मैं 1200 में 22 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 1222। और पता है जब मैं आपको पढ़ा रहा था वर्गमूल वाला, तो इसमें मैं बताया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में 2 नहीं आता, ठीक है, 2, 3 नहीं आता और 7, 8 नहीं आता और सिंगल 0 नहीं आता, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.2, 0.8 तथा 1.2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदल देते हैं, 0.2 और 0.8 और 1.2,
ठीक है, भिन्न में बदलने के लिए हमको नीचे 10 जीरो लगाना पड़ेगा, ये तो सबको पता है, जीरो और ये जीरो, सॉरी ये भी जीरो होगा ना, 12 जीरो। जीरो कैसे लगाए पता है ना, यहाँ एक अंक था तो हमने जीरो लगा दिया, दो अंक था तो जीरो, एक अंक यहाँ भी, एक अंक यहाँ भी, एक अंक। अब हमको निकालना है लघुत्तम, तो ऊपर का हमको एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालना है। नीचे तो 10 है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 10, ऊपर का लघुत्तम क्या होगा वो देखिए, ऊपर का लघुत्तम क्या निकलेगा, तो 12 है, 12 दूनी 12, 2 तो चला जाएगा, 8 नहीं जाएगा, तो 12 दूनी 24 करते हैं तो 24 से 12 काट देगा, 8 काटेगा और 2 भी काट लेगा, तो ये हो गया हमारा 24। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 0 है, अंदर 0 है ना, नीचे 0 है 10 से, तो ऊपर एक घर के बाद हम 0 डॉट लगा देते हैं। ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, 2.4, ये है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। तीन अलग अलग सड़क के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, है ना, उसमें से 40 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड के निश्चित समय बाद बदलते हैं। यदि वे पहले बार 8:15 पर जले थे तो अगली बार वे कब फिर से एक साथ जलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको आपको लघुत्तम निकाल लीजिए, लघुत्तम निकालना चाहिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको आपको लघुत्तम निकाल के चलना है, ठीक है। अब इसका लघुत्तम कैसे निकालना है, ये तो बहुत ईजी है, इसका लघुत्तम आएगा 120, क्योंकि 4 3 12, 6 2 12, तो इसका लघुत्तम आएगा 120, लेकिन ये सेकंड में है, ठीक है, सेकंड में है, हमको इसको मिनट में लाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 हमारे पास 2 मिनट आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा। अब इसी 2 मिनट को हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8:17, ऑप्शन नंबर सी। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा, ठीक है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा जो 1021 को पूर्ण रूप से वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ा जाना चाहिए, 1021 को पूर्ण रूप से वर्ग बनाने के लिए कि हमको क्या जोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन आया है, इसमें भी हम पहले की तरह बना सकते थे, कैसे देखिएगा, पहले हम जो ऐसे बनाते हैं रूल से वैसे बना लेते हैं, ये हमारा है 1021, ये किससे भाग जाएगा तो 3 से जाएगा, क्या 3 3 9, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब जिससे जिससे हम भाग दिए जितने में उसको हमको जोड़ के यहाँ नीचे लिखना रहता है, ये हो जाएगा 6, और हम 21 को वापस निकाल लेते हैं। अब ऐसा कोई और संख्या जोड़िए, तो 61 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 61 एकम 61, और 61 में 2 से 62 को 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 61 ले लेंगे, ठीक है, ये एक बार गया तो कितना हो गया 61 एकम 61, अब ये हो जाएगा 60। अब ये भाग नहीं लगेगा, है ना, आगे की संख्या आ जाएगा, भाग नहीं लगेगा, तो 31 का जो संख्या है ना, 31 का जो वर्ग होगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। 31 का वर्ग क्या है, और 31 का वर्ग है हमारे पास 961, ठीक है, 31 का वर्ग हमारे पास 961 है। अब हम इसके आगे वाले का निकाल के देखते हैं, 32 का, ठीक है, 32 का निकाल के देखते हैं, तो 32 का हमारे पास वर्ग आता है 1024, ठीक है, 1024, और हमारे पास संख्या कितना है, 1021 है, ठीक है, तो इस 1021 को मुझे 1024 बनाना पड़ेगा, तो 1021 में मैं क्या जोड़ूँ तो 1024 बन जाए, तो अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो 1024 बन जाएगा, जो मेरा पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, ये था हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम गुणनफल, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है ना, ये LCM into HCF, ठीक है, ये इस पैटर्न को याद रखिएगा। तो दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम 3000 है, यदि इन संख्याओं का योग, यदि इन संख्याओं का जो योग है वो 110 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, ये देखिए, तो लघुत्तम महत्तम का गुणनफल दिया है ना, तो ये 3000 है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो संख्याओं को हम गुणा करें तो हमको 3000 मिलना चाहिए, यही बात है, ठीक है। और a प्लस बी का मान क्या दिया गया है, a प्लस बी का 110 मान दिया गया है, और यहाँ एक बता दिया गया है कि आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी कहने का मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, है ना, एक संख्या छोटा होगा एक संख्या बड़ा होगा, तो सबसे पहले आपको ज्ञात करने के लिए जो संख्या दिया गया है 110, हम उसको आधा कर लेते हैं, आधा करेंगे तो हमको मिलेगा 55, ठीक है। अब a या b, है ना, तो एक संख्या 55 से बड़ा होगा, एक संख्या 55 से छोटा होगा,
ठीक है, एक संख्या 55 से बड़ा होगा, एक संख्या 55 से छोटा होगा, क्योंकि हमको बड़ी संख्या निकालना है, याद रखिएगा, क्योंकि हमको बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या निकालना है तो 50 हो नहीं सकता, क्योंकि हमको बड़ी निकालना है, 55 तो वैसे भी आधे में है, अगर बड़ा निकालना है तो 55 प्लस होना पड़ेगा, सीट है। तो अब हम 60 को रख के देखते हैं, बाय अब यहीं यहाँ से हम बाय ऑप्शन चलते हैं, इसका कोई भी रूल नहीं है, बाय ऑप्शन चलते हैं। बाय ऑप्शन चलने पर क्या होगा, मान लेता हूँ मैं एक वैल्यू 60 रखता हूँ, बड़ा वैल्यू है ना, बड़ा वैल्यू यदि मैं 60 रखता हूँ तो 110 में 60 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 50 बच जाएगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो 110 आता है, लेकिन इनका गुणनफल 3000 आना चाहिए, ठीक है, 3000 आना चाहिए, तो क्या आ रहा है, क्या देखिए, तो ये 00 और 6 5 30 3000 आ गया, यही मेरा आंसर है। लेकिन हम आगे और ऑप्शन चेक करके बता देते हैं, ठीक है। अब यदि मैं 100 की जगह है ना, सॉरी 110 है, यदि मैं 60 की जगह 70 रख देता है ना, तो बड़ी संख्या 70 है, शेष बच क्या जाता, 40 बच जाता, ठीक है, तो 7 4 11 110 हो जाता है। अब इनको गुना करूँगा तो 3000 आ रहा है क्या, 7 या 21 3000 नहीं आ रहा है, फिर 7 4 28 होगा ना, 28, तो ये 3000 नहीं आ रहा है, तो 70 मेरा 100 मेरा आंसर हो नहीं सकता, सॉरी मैं अभी फिलहाल 70 रख के देखा था ना, तो 70 मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब हम 100 रख के देखते हैं इसी में, ठीक है, एक सॉरी हमारे पास क्या है, 110 है। अब 100 रख के देखते हैं तो बड़ी संख्या 100 हो गया, छोटी संख्या 10 हो गया, यही होगा, और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अधिकतम 1000, ठीक है, तो आपको दोनों पक्ष मिला के देखना है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस बार। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो जिसको आपको बाय ऑप्शन करके देखना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसको आपको बाय ऑप्शन ही करके देखना है। वह सबसे छोटी वर्ग ज्ञात कीजिए, छोटा वाला वर्ग ज्ञात करना है जो 4 6 8 और 10 से विभाज्य है, ठीक है, वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के लिए मैंने बताया था, यदि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में कभी भी सिंगल जीरो नहीं आएगा, वो आता ही नहीं है, हाँ, सिंगल जीरो कभी भी वर्ग में नहीं आता। अब बचा हमारे पास 1200 और 3600, ठीक है, अब बचा हमारे पास 1200 और 3600, तो इसके लिए क्या, आप पहले तो मैं प्रोसेस से बता देता हूँ, वैसे इसका आंसर 3600 होगा, पहले हम प्रोसेस से देख लेते हैं, प्रोसेस से बनाएंगे तो कैसे चले, देखिए दो ऑप्शन तो मैंने छाड़ दिए, दो ऑप्शन में तो कोई होगा नहीं, बचा 4 6 और 8 और ये 10, इसका हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर कर लेते हैं लघुत्तम निकालने के लिए, ठीक है, तो लघुत्तम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 ये 2 हो जाएगा, ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है, अब 2 से फिर चला जाएगा तो 2 1 ये 3 ये 2 और ये 5, एक बार और 2 से लगा लेते हैं, 2 हमारे पास बचा हुआ है तो ये 2 1 3 1 और 5, तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गए, कितने प्राइम नंबर मिले देखिए, तो 2 × 2 × 2, ठीक है, उसके बाद एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा, यदि पता नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ये इसका लघुत्तम भी है, तो इसका लघुत्तम कितना है, ये है आपका 120, लेकिन हमको फिलहाल इसके लघुत्तम से कोई लेना देना नहीं है, है ना, इसका लघुत्तम 120 आएगा। आपको याद है पूर्ण वर्ग करने के लिए कोई भी प्राइम नंबर जोड़ा में होना चाहिए, और नहीं है तो उसको जोड़ो, क्या कहा मैंने, कोई भी संख्या प्राइम नंबर होने के लिए जोड़ा सॉरी पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा में होना चाहिए, और नहीं है तो जोड़ा बनाओ, चलिए जोड़ा बना देते हैं, तो इस 2 का तो जोड़ा है, ठीक है, इस 2 का जोड़ा नहीं है तो हम एक और 2 यहाँ पे गुना कर देते हैं, इस 3 का भी जोड़ा नहीं है तो 3 में 5 का भी जोड़ा नहीं है, अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, ठीक है, तो इतना तो 120 था, ऊपर जो नीले में लिखा है वो तो 120 है, उस 120 में हमको अतिरिक्त और क्या गुना करना है, तो 5 या 15, ठीक है, और 15 × 30, ठीक है, तो इसको 30 हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 12 + 3 = 36, तो हमारा आंसर है 3600, ठीक है, वर्क करने का रूल यही है, जिसका जोड़ा नहीं है उसको जोड़ा कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी वर्ग संख्या जोड़ा जाए, सेम वही फार्मूला अपनाएंगे जो अभी तक अपनाते आ रहे हैं, 1930 लिख लीजिए, ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर दें तो ये किससे चला जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, बचा क्या है यहाँ पे 3, फिर 330 को पूरा ले लीजिए, 4 4 का डबल करके 8 ले लीजिए, अब 8 को किससे गुना करें, तो 83 का 3 गुना कर देते हैं,
तिरासी का तीन गुना करेंगे तो मुझे मिलेगा 249, ये तिरासी का तीन गुना है ना, तो इसका मतलब है 43 मेरा पूर्ण वर्ग है। अब इसके बाद बचा क्या है 81, जो अब भाग नहीं जाएगा, तो 43 मेरा एक पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, कितना आएगा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना, 43 मेरा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब मैं 44 की ओर बढ़ता हूँ, है ना, 43 कितना आता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, अगर 43 में यह संख्या आ जाता तो 1930 पूरा कट जाता, पर 43 मेरा पूर्ण वर्ग नहीं है तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मैं 44 ले लेता हूँ। 44 का स्क्वायर क्या होगा, तो 44 का स्क्वायर होता है 1936, और मेरे पास संख्या क्या है 1930, तो 1930 को 1936 बनाने के लिए मैं क्या जोड़ सकता हूँ, तो मैं 6 जोड़ सकता हूँ उसमें, तब मेरा आंसर परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तब मेरा आंसर क्या होगा, परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, ठीक है, उनका योग तो 36 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग 36 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर से देखिए, 36 है, दो ए प्लस बी मिला के 36 हो रहा है, और इसमें भी मुझे बड़ी संख्या देखना है ए बी में, तो 36 का आधा कितना होता है, 18 दूनी 36 होता है ना, 18 18, लेकिन संख्या 18 से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो 18 से छोटा संख्या तो मेरा हो नहीं सकता, तो ये 20 15 मेरा आंसर हो नहीं सकता, मुझे बड़ी, क्योंकि मुझे बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, क्योंकि मुझे बड़ी संख्या निकालना है, ये हो गया। अब ये देखिए, अब दूसरी बात ये है कि जो ये ऑप्शन ए सी और बी बच गया, वो जो है 12 से पूर्ण रूप से कटने लायक होगा। क्यों? क्योंकि 12 एक महत्तम है, 12 जो है एचसीएफ है, 12 क्या है, 12 एक एचसीएफ है, इसलिए उसके बाद जो संख्या है उसके नीचे जो संख्या लिखा है ऑप्शन में जो कट गया वो हमारा आंसर हो सकता है। तो काट के देखते हैं क्या, 12 एकम 12 12 दूनी 24, तो ये एक बार कट गया, ये नहीं कटा, 12 दूनी 24 12 तिया 36, ये दोनों हमारा कट गया। ठीक है, ये दोनों हमारा कट गया, लेकिन 36 तो योग है ना, 36 तो दोनों मिला के हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, बचा 24, ये मेरा आंसर है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, प्रोसेस से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, इसमें बहुत समय लग जाएगा, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा, घंटी बच जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट सवाल, 120 और 150 का एलसीएम बताना है। ठीक है, 120 और 150 का मुझे एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 600 होगा। कैसे पता चला, हम इसका प्राइम फैक्टर कर बताएंगे सबसे पहले, या सबसे पहले हम भाग विधि में बता देते हैं, उसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला बताएंगे। ये 120 है और ये 150 है, दो से कटेगा, दो से कटेगा तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 75, फिर से दो से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 30, ये दो से नहीं कटेगा। ठीक है, अभी भी दो से कटने लायक है 15 और ये 75। ठीक है, अब कटेगा हमारा ये तीन से, ठीक है, तीन से कटेगा तो ये 5 दिया 15 और 25 दिया 75। अब हम काटेंगे 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 25। ठीक है, 5 एकम 5 5 एकम 25, तो हमारे पास क्या अंक आया, 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दिया 24, है ना, 24 पंचे 120 और 120 पंचे 600, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक और मेथड इसी में देख लेते हैं जो अभी तक हम करते आते थे, बड़ा संख्या पकड़िए 150, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 150 15 दूनी 10 होगा, है ना, 15 गुना 10 15 को लिख सकते हैं 5 दिया 15 और 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, ये पूरे प्राइम नंबर में आ गए। ठीक है, इस चैप्टर को काट दीजिए। अब हमको 100, देखिए सबसे बड़ा 12 का लिख लिए, अब 120 का ऐसा कोने में लिख लिए, 120 का कैसे होगा, 12 गुना 10। ठीक है, 12 गुना 10, तो 10 तो यहाँ पे हमारे पास था, तो 10 को हम काट देते हैं, 10 हमारे पास यहाँ था ना, 5 दूनी 10, 10 यहाँ पे एंट्री है, तो 10 को काट देते हैं। रही बात हमारे पास 6 दूनी 12 वाला, तो 6 दूनी 12, दो तो हमारे पास नहीं, इस दो नहीं, पूरा पूरा करते हैं, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, पूरा पूरा करके बताता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आधे में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और एक तो लिख सकते हैं 6 दूनी 12,
है ना, या फिर 4 * 12, तो 3 × 2 × 2, इस प्रकार से। तो हमारे पास एक 5 है तो 5 को काट दिए, एक 3 भी है तो 3 को काट दिए, ठीक है, और एक 2 है तो 2 को भी काट दिए, है ना, 2 है तो हमने 2 को भी काट दिया। अब बचा हमारे पास 2 × 2 इज इक्वल टू 2 × 2। अब 150 को हम 4 से गुना करेंगे तो हमको मिलता है 600, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, जो पहले से उसको काट देना है, जो बचेगा उसको उसमें गुना कर देना है, ये हमारा आंसर है। तो ये एलसीएम एससीएफ का क्लास आज यही ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।